तो दोस्तों अब हम फिर आप दिखाते हैं आगे। पहली वाली वीडियो में 2.5 घंटा हमारा हो गया था, उसमें ना मिली आपको वीडियो देखने को, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बटन को जरूर दबाएं। हम देखो दिखाते हैं आपको 2.5 अंक कैसे निकालते हैं। 2.5 अंक देखो हम ऐसे निकालते हैं, 2.5 अंक में हमने बताया था 4 का भाग देते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं ना कि संख्या में, घात में देते हैं 4 का भाग। तो इसमें एक पे घात है हमारी 153 और दूसरे पे 72, तो 153 में हम लगाएंगे घात भाग कितने का, 4 का गुणे क्या गुणा यहाँ पे नहीं लेकर लगाएंगे, तो इसमें 72 में भी लगाएंगे क्या 4 का भाग। दो घातें चाहिए तो अलग अलग लगाएंगे, तो इसमें आप लगा लो भाग, इसमें एक बचा नहीं, ऐसे समझ रहा, ऐसे लगा लो आप। ठीक है अब लगा लो आप 3 3 4 8 32 एक बचा ना हमारा, हमें शेष फल से ही मतलब है, भाग फल से और भाज्य और भाजक से कोई मतलब नहीं है। अब हम लगाएंगे इसमें भाग, ये हमारा पूरा पूरा चला गया, इसमें कुछ नहीं बचा से, कुछ नहीं बचा ना, इसमें शेष क्या बचा हमारा, कुछ नहीं। तो अब हम इसे लिख लेंगे, तो अब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 56, इसमें एक बचा था तो एक लिख लेंगे, इंटू इसमें कुछ भी नहीं बचा था तो इसमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसमें इकाई अंक क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा एक, तो ये भी हमारा यही रहेगा, इसका एक बात है इसका, इसमें एक का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा ना, और इसमें तो बात कुछ बची नहीं, तो इसमें इकाई अंक क्या है हमारा, इसमें 7 है और इसमें इकाई अंक 1, तो 7 एकम इकाई का इकाई में गुणा, वही बात इकाई का इकाई में गुणा, तो कितना आया 7 एकम 7, इकाई में कितना आ गया हमारा 7। पूरी संख्या का गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं, पूरी संख्या का आप गुणा ना करें, आप सिर्फ कुछ क्या देखना इकाई अंक हम निकाल रहे हैं, तो इकाई अंक किस प्रकार आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बताओ। अब चलो हम आगे चलते हैं, इस प्रकार आप कुछ कोई भी यहाँ पे घात हो, घात कुछ भी हो, आप क्या करेंगे सिर्फ लगाएंगे 4 का, ओनली वन 4 का लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे 4 का। ठीक है अब चलते हैं हम आगे, एक और सवाल आपको समझाते हैं, आपको ध्यान में ये रखना है, आप कुछ भी हो घात में लगाना है 4 का भाग। अब आपको हम सिखाते हैं अगला वाला, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल है हमारा, अगला आपको कौन सा सवाल होता, अगला सवाल है हमारे आपके सामने, इसके 2000 घात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्या करना है वही 4 का भाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, घबराने कितनी भी घात हो, 2000 3000 10000 तक हो, कुछ भी घात हो, 20000 जितनी मर्जी घात हो, आपको क्या करना है लगाना है सिर्फ 4 का भाग। माइनस माइनस दिया हो प्लस नहीं दिया हो तो माइनस 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 में क्या, अब इसमें लगेंगे हम 27 की घात 500। ठीक है अब क्या करना है, वही करना है, हमें घात में लगाना है क्या, घात में लगाना है 4 का भाग, पूरा पूरा चला गया कुछ बचा नहीं, और यहां पे देख लो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, तो ये इसी प्रकार लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 65 की घात सॉरी 2000 नहीं ये लिखेंगे हम, कुछ भी नहीं यहाँ पे घात कुछ जी फिर हमारा कुछ बचा था कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस 27 की घात, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, कुछ बचा था नहीं ना, अब क्या करें हम 65 में से माइनस के कर देंगे 27, क्योंकि हमें चाहिए है इकाई अंक, इकाई अंक निकालने के लिए हम इसे हल करेंगे, तो इकाई अंक हमारा क्या निकलेगा 65 के माइनस के 27 कितना आया 38 इज इक्वल टू 38। 38 में इकाई अंक क्या है हमारा 8 है इकाई अंक, तो इसे हम कर देंगे 8, तो देखकर 8 लिख देंगे इकाई अंक में, हम क्या लिख देंगे 8, हमारे ऑप्शन जो भी दिए हो जहाँ पे हमें 8 मिल जाएगा उसी पे टिक लगा के हम आगे निकल जाएंगे, तो ये हो गए हमारे इकाई अंक निकालना, समझ में आ गए। आपको एक और समझाते हैं उसके बाद ये इकाई अंक निकालना बंद करेंगे, उसके बाद सिखाएंगे हम आपको आगे, ठीक है आपको एक और समझा दे रहे हम सवाल,
अब आप सवाल ले लो, 3, 5, 2, 4, 27, ठीक है, इंटू 47 की घात 19, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वही भाग लगाना है 4 का, तो 27 में भाग लगाना है 4 का और 19 में भाग लगाना है कितने का, 4 का, 19 में 4 का भाग लगाना है, तो लगा लो भाग 4, ऐसे नहीं लगाना है, वैसे लगा लो, तीन बच गए इसमें, शेष क्या बचा रहा हुआ, शेष 3 बचा, इसमें देखो कितना बच रहा है, इसमें 3 शेष बचे, सेम संख्या बची 3 उन दोनों में, कोई बात नहीं, हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है शेषफल से, शेषफल हमारा क्या बचा 3 और 3, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम इसे अब लिखेंगे 3, इस प्रकार लिख लेंगे, शेष 3 बचे, 3 लिख देने यहाँ पे, इंटू 41 घात, इससे कोई मतलब नहीं, हमें बचा कितना, इससे शेष कितना बचा है 3, तो अब इसे हम कर लेंगे क्या हल, अब इसे इस प्रकार लिख लेंगे, इसमें इकाई अंक हमारा 5 है और इसमें है 1, लेकिन हमारी घात भी चढ़ी है, घात भी करना है, अब इसमें हमारा 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसे हल कर लेंगे, कैसे करेंगे हल, ऐसे इसे 3 बार लिख लेंगे, इंटू अब ये 41 को लिख लेंगे, 41 इंटू 41 इंटू 41, 3 बार लिख लिया, अब इसमें हमें करना है इकाई का इकाई में गुणा, इसका ये इकाई अंक है, इसका ये इकाई अंक है, इसका ये इकाई अंक है, इसका ये, इसका और इसका और इसका ये, इकाई का इकाई में करेंगे क्या गुणा, उसके बाद जो भी आ जाएगा वही होगा हमारा इकाई अंक, तो कर लो आप 25 25 में इकाई अंक कितना है 25, इस प्रकार लिखेंगे 25 में इकाई अंक क्या है 5 5 आया, तो 5 ले लो, पूरे 25 नहीं लेने, 5 का गुणा करो, फिर 55 25, फिर हमारा इकाई अंक 5 आया, इकाई का ही इकाई में गुणा करते चलो ताकि पूरी संख्या का आप गुणा करो, उसमें टाइम होगा आपका ज्यादा खराब, तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, तो इकाई अंक हमारा क्या निकल आया 5, ठीक है, तो यही हो गया हमारा सही, ये हो गया हमारा इकाई अंक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि आप सबसे पहली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, और हमारी वीडियो बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।